आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। हमने अभी कुछ दिन पहले सौंदर्य निखार के विश्व प्रसिद्ध कुछ नुस्खे जो है आप लोगों को बताए थे। 3,40,000 से ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा है और बहुत सारे लोगों को हजारों की संख्या में बल्कि लाख से भी ऊपर ऐसे संदेश मेरे पास में हैं कि उन्हें लाभ हो रहा है उससे। हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम बहुत स्टडी करने के बाद में आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं। लेकिन इस सौंदर्य निखार में एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ, एक पेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके शरीर में कोई खराबी है, यदि आपकी स्किन के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार का संक्रमण है या आपके खून में कोई खराबी है, तो वो सौंदर्य निखार के जो नुस्खे हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह जो प्रसिद्ध हैं सबसे मुख्य रूप से और उनका उपयोग हो रहा है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वहाँ के महिलाएं पुरुष सब लाभान्वित हो रहे हैं, उनसे आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि वो अंदर का संक्रमण चाहे खून में है या स्किन में है वो दूर नहीं होगा। तो इसलिए उनको दूर करने के लिए आज हम आपके पास में बहुत सारे ढेरों उपाय मैं बता रहा हूँ, उनमें से आपकी जो अनुकूलता हो उस हिसाब से आप सारा कर सकते हैं और अपनी स्किन का जो है वो संक्रमण दूर कर सकते हैं। हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसमें आंतरिक या बाह्य संक्रमण या खून की खराबी अथवा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण कोई न कोई विकार जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, सफ़ेद दाग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो अच्छी ये जो सारा उत्पन्न हो जाते हैं तो अच्छी खासी जिंदगी का जो है वो जीना दुभर हो जाता है। साथ ही कई बार समाज में भी तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है, डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो जाता है आदमी, क्योंकि उसको छुआछूत की दृष्टि से भी देखा जाता है, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं सभी लोग, जिसको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, जिसके बड़े बड़े दाग हो रहे हैं पाँव में। बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है कि इतने खराब पाँव हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसी स्थिति में एक खेरवाड़ा का एक व्यक्ति मेरे पास में आया था जो पूर्व सैनिक है, तो वहाँ के गुजरात के डॉक्टरों ने उसको बिल्कुल दोनों पांव कटाने के लिए बोल दिया कि दोनों पांव कटा दीजिए नहीं तो आपके शरीर में पूरा जहर फैल जाएगा। लेकिन वो जब हमारे पास में आया तो हमने उसको कहा कि दोनों पांव कटाओगे तब भी मरी हुई जिंदगी होगी, जीते जी मर जाओगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम में हम बताते हैं वो करो। तो उनको समझ में आया, पूरा का पूरा सारा चीज़ बताई और उन्होंने किया और वो 1.5 महीने में तैयार हो गए, रेडी हो गए, रात दोनों पाँव से दौड़ रहे हैं। तो ये जो है घरेलू चीज़ों का और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रभाव है। तो आप भी आज जो है हम आपको यहाँ चर्म रोगों को दूर करने के लिए कई उपाय आपको बता रहे हैं, लेकिन चर्म रोग होने के कई कारण हो सकते हैं और अलग अलग चर्म रोग के कुछ विशेष उपाय भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले कौन सी समस्या है, चर्म रोग किस जगह पर है और कितना गंभीर है, कितना भयानक है, उसका ध्यान रख करके ही उपाय करने चाहिए। और हम जो आपको ये लगभग 32 उपाय इस समय में बता रहे हैं तो उनको आप ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान से देखिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं यदि आप शुरू से लगा करके अंत तक बिना उनको तेजी से निकाले पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत लाभ होगा। हमने अभी तक 195 से ज्यादा वीडियो डाले हैं, उन वीडियोस के अंदर हमने एक एक चीज समझाने की कोशिश की, एक एक चीज उस विषय से संबंधित बताने की कोशिश की। लोग क्या करते हैं कि केवल उपाय ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। आप उनके लक्षणों को भी समझिए, उसकी पृष्ठभूमि भी समझिए, तब जाकर के आप बीमारी का सही ढंग से निदान कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। चर्म रोग के कारण क्या हैं पहले इनको समझ लीजिए ताकि आपको उपाय करने में आसानी हो। अधिकतर समय धूप में बिताने वाले लोगों को चर्म रोग का खतरा ज़्यादा होता है। किसी एंटीबायोटिक दवा के खाने से साइड इफेक्ट्स होने पर भी स्किन रोग हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। महिलाओं में मासिक चक्र अनियमितता की समस्या हो जाने पर भी उन्हें चर्म रोग होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। शरीर में ज़्यादा गैस जमा होने से खुश्की का रोग हो सकता है और उससे आपको खुजली चल सकती है।
अधिक कसे हुए कपड़े, टाइट कपड़े, मैंने पहले भी कहा कि टाइट कपड़े कभी नहीं पहनी है, लेकिन अधिक टाइट कपड़े पहनने पर और नायलॉन के वह कपड़े पहनने पर भी चमड़ी के विकार ग्रस्त होने का खतरा हो सकता है। नहाने के साबुन में अधिक मात्रा में सोडा होने से भी यह रोग हो सकता है। खुजली का रोग ज्यादातर शरीर में खून की खराबी के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और तीखी चीजें खाने पर भी फुंसी और फोड़े निकल आ सकते हैं। आहार ग्रहण करने के तुरंत बाद व्यायाम करने से भी चर्म रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए व्यायाम कभी भी खाना खाने से पहले करना चाहिए। उल्टी, छींक, डकार, वाहर फाट, पेशाब और लेट्रिन, इन सब आवेगों को रोकने से भी चर्म रोग होने का खतरा है और अधिकतर लोग इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। बच्चे टीवी देखते हैं, बड़ी भी महिलाएं भी टीवी देखती है, सीरियल चल रहा है, कोई पेशाब आ रहा है, इकट्ठा इकट्ठा करेंगे, ब्रेक आ जाए तो जाऊं, उस चक्कर में आपको आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है और स्किन रोग भी हो सकता है। इसी तरह से मैंने पहले भी बताया है, भगवान महावीर ने जो बीमारियों के 9 कारण बताए हैं स्थानांग सूत्र में, उनमें से भी ये मैंने उस समय भी उल्लेख किया था कि यदि आपने लेटरिन का वेग रोक दिया, आपको पेट में आ रहा है, मरोड़ा आ रहा है, लेकिन आप कट्ठा कट्ठा करके बैठेंगे, जनरली बच्चे जो वीडियो गेम वगैरह खेलते समय कट्ठा कट्ठा करते रहते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं रहता है, पेशाब करने का होश नहीं रहता है, फ्रेश होने का होश नहीं रहता और फ्रेश नहीं होते और इकट्ठा इकट्ठा करते हैं, तो उन इन सब आवेगों को रोकने के कारण इसके कारण कोढ़ हो सकता है यदि आपने लेटरिन को रोका, और जीवन खत्म हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए क्या है कि कभी भी इन आवेगों को रोकने से चर्म रोग होने का खतरा रहता है, इन आवेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए। शरीर पर लंबे समय तक धूल मिट्टी और पसीना जमे रहने से भी चर्म रोग हो सकता है, और भोजन के बाद विपरीत प्रकृति का भोजन खाने से, जिसको मैंने विरुद्ध आहार बोला है, विरुद्ध आहार पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है और वीडियो डाला है कि कौन कौन सी चीजें आपस में अपोजिट हैं, विरुद्ध हैं, तो उनको कभी भी साथ नहीं खाना चाहिए। तो भोजन के मतलब विरुद्ध आहार खाने से भी कोढ़ का रोग हो सकता है। उदाहरण जैसे कि आम का रस और छाछ साथ नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा था आम के दिनों में कि आम और दही का कोई भी प्रोडक्ट साथ में नहीं खाना चाहिए, उससे स्किन प्रॉब्लम होने का खतरा है और वो जहर होता है तो स्किन रोग के क्या क्या लक्षण है उसके ऊपर भी विचार कर लीजिए। दांत खाज होने पर चमड़ी एकदम सूख जाती है और उस जगह पर खुजलाने पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार के चर्म रोग में जलन, खुजली और दर्द होने की फरियाद रहती है। शरीर में तेज गर्मी इकट्ठा होने पर चमड़ी पर सफेद या भूरे दाग दिखने लग जाते हैं या फोड़े फुंसी निकल आते हैं, और समय पर इसका उपचार न होने पर उनमें पीप भी पड़ जाता है, पस भी पड़ जाता है, पीप निकलने लगता है। तो स्किन रोग होने से किस तरह से और बाकी जो पथ्यापथ्य का विवेक किस प्रकार रखना चाहिए, परहेज किस प्रकार का रखना चाहिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि स्किन रोग होने पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, तंबाकू यानी चाय, कॉफी, भांग, गांजा या अन्य किसी भी दूसरे प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप डिप्रेशन की एंटी डिप्रेशन कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपको रात को नींद नहीं आती है और उसके लिए आप नींद के लिए गोली ले रहे हैं, तब भी आपकी खुजली का कारण बन सकता है और स्किन रोग बढ़ सकता है। तो उस समय में क्योंकि उसमें भी नशा होता है, तो नशीली कोई भी चीज़ हो यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। उस समय में जब आपको स्किन प्रॉब्लम हो, बाजरे और ज्वार की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। शरीर की शुद्धता का खास ख्याल रखें। स्किन रोग होने पर समय पर सोना, समय पर उठना, रोज नहाना और धूप की सीधी किरणों के संपर्क से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की यदि आपको स्किन एलर्जी हो गई है, स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इन सब चीजों से बचना जरूरी है। भोजन में अचार, नींबू, नमक, मिर्च, टमाटर, तेलीय वस्तुएं, लाल मिर्च के लिए मैंने इसीलिए मना कर रखा है, आदि चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।
चर्म रोग में कोई भी खट्टी चीज खाने से रोग तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए जब आपको किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, स्किन का इश्यू है, तो उस समय में आपको किसी भी प्रकार की खटाई नहीं खाना चाहिए। लोग समझते नहीं और फिर पानी पताशे के ठेले पे जाकर के खोमचे पे जाके खड़े हो जाते हैं। ब्याह शादी है कहीं, माँ पानी पताशे हैं, तो ऐसे लपकेंगे जैसे जिंदगी में कभी पानी पताशे देखे ही नहीं, और स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा उनका, स्किन प्रॉब्लम पूरे शरीर में ज्यादा फैलेगी। तो इसलिए बहुत संयम रखने की जरूरत है। अगर खाना पचने में परेशानी रहती हो, क्योंकि पेट भी साफ होना चाहिए, यदि आपको स्किन प्रॉब्लम से बचना है तो पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। अगर खाना पचने में परेशानी रहती हो या पेट में गैस जमा होती हो तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए, और जब यह परेशानी ठीक हो जाए तब कुछ दिनों तक हल्का भोजन रखना चाहिए। खराब पाचन तंत्र वाले व्यक्ति को चर्म रोग होने की अधिक संभावनाएं होती है। स्किन की किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर रोज रात को सोने से पूर्व एक गिलास हल्के गुनगुने गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिला करके जरूर दूध पीना चाहिए, और जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनको पानी में हल्दी घोल करके पीना चाहिए एक चम्मच। अब मैं इन स्किन रोग के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन ट्रीटमेंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। नहाते समय में नीम के पत्तों को पानी के साथ गर्म करके फिर उस पानी को नहाने के पानी के साथ मिला करके नहाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। नीम की कोपलों नए हरे पत्ते को सुबह खाली पेट खाने से भी स्किन रोग दूर होते हैं। स्किन के घाव ठीक करने के लिए नीम के पत्तों का रस निकाल करके घाव पर लगाकर उस पर पट्टी बांध लेने से घाव मिट जाते हैं। पट्टी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। मूली के पत्तों का रस स्किन पर लगाने से किसी भी प्रकार के स्किन रोग में राहत हो जाती है। प्रतिदिन तिल और मूली खाने से स्किन के भीतर जमा हुआ पानी सूख जाता है और सूजन खत्म हो जाती है। मूली का गंधकीय गंधक होता है उसमें, तो मूली का गंधकीय तत्व स्किन रोगों से मुक्ति दिलाता है। मूली में क्लोरीन और सोडियम तत्व होते हैं। यह दोनों तत्व पेट में मल जमने नहीं देते हैं और इस कारण गैस या अपच नहीं होता है, जबकि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मूली खाने से गैस बनती नहीं है। गैस बनती नहीं, आपके अंदर जो गैस बनी हुई है उस गैस को दूर करती है वो। तो मूली जो है, मूली को हम समझने की कोशिश करिए। मूली के अंदर बहुत सारे गुण हैं, मूली के पत्तों में बहुत सारे गुण हैं। मूली और मूली के पत्तों से चार प्रकार के कैंसर ठीक होते हैं, और मूली मरणासन्न स्थिति में आई हुई किडनी को फिर से रिवाइव कर देती है, फिर से जिंदा कर देती है। तो मूली को सामान्य रूप से मत समझिए, मूली में बहुत सारे गुण हैं। मूली पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको देखिए। हमारी किचन थेरेपी और खाना खजाना जो किताबें हैं उसमें मूली के हमने कई प्रयोग बता रखे हैं। खाना खजाना में मूली का पूरा हमने वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो मूली जो है, जब सीजन में आती है तो जरूर उसका उपयोग करना चाहिए। उसके पत्तों का, जो लोग मूली नहीं खाते हैं, जैन धर्म में मूली का निषेध है क्योंकि जमीकंद है, तो मूली के पत्ते जमीकंद नहीं है, तो मूली के पत्तों की भाजी का आप उपयोग कर सकते हैं। मूली में मैग्नीशियम की मात्रा भी बहुत होती है। यह तत्व पाचन क्रिया नियमन में सहायक होता है। जब पेट साफ होगा तो चमड़ी के रोग होने की नौबत ही नहीं आएगी। हर रोज मूली खाने से चेहरे पर हुए दाग, धब्बे, जाइयां और मुहासे ठीक हो जाते हैं। स्किन रोग में सेब एप्पल के रस को लगाने से उसमें राहत मिलती है। प्रतिदिन एक या दो सेब खाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। स्किन का तेलीयपन, ऑयली स्किन दूर करने के लिए एक सेब को अच्छी तरह से पीस करके उसका लेप पूरे चेहरे पर लगा करके 10 मिनट के बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लेने पर जो ऑयली स्किन है उसकी परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। खुजली की समस्या में ताजा सुबह का गौमूत्र स्किन पर लगाने से आराम मिलता है।
पुराने समय में किसी को दापड़ वगैरह हो जाते थे या खुजली, एकदम अचानक से खुजली होती है और दापड़ हो जाते शरीर में छोटे मोटे, तो गौमूत्र और उसकी गाय का गोबर ये मिला करके और उसके पूरे शरीर पर लेप कर दिया जाता था और वो ठीक हो जाता था। तो पुराने लोगों में बहुत ज्ञान था और पूरा साइंटिफिक उसकी वैल्यू थी। जहां पर भी फोड़े और फुंसी हुए हों वहां पर लहसुन का रस लगाने से फौरन आराम मिल जाता है। सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डाल करके उसे गर्म करके, हल्का गर्म करके और स्किन पर लगाया जाए तो खुजली की समस्या दूर हो जाती है। सूखी चमड़ी की शिकायत रहती हो तो सरसों के तेल में हल्दी मिश्रित करके उससे पूरी स्किन पर हल्की मालिश करने से स्किन का सूखापन दूर हो जाता है। कई लोगों की रूखी त्वचा होती है, रूखा 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 रहता है और इचिंग होती है, तो उस इचिंग को दूर करने के लिए आप जो है सरसों के तेल में हल्का सा हल्दी डाल करके हल्का गर्म कर लें और पूरा शरीर पे मालिश कर लें, उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। हल्दी को पीस करके तिल के तेल में मिला करके उससे शरीर पर मालिश करने से भी चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे चर्म रोग ऐसे होते हैं। चेहरे के काले दाग और धब्बे दूर करने के लिए हल्दी की गांठों को शुद्ध जल में घिस करके उसके लेप को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जो हल्दी होती है साबुत हल्दी, उसकी जो गांठें होती है उसको यदि घिसेंगे, घिस करके और लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। करेले का रस पीने से शरीर का खून शुद्ध होता है। दिन में सुबह के समय बिना कुछ खाए खाली पेट 1 ग्राम का चौथा भाग करेले के फल का रस पीने से स्किन दूर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। स्किन की जो संक्रमण है या किसी भी प्रकार की खुजली वगैरह है, दांत खाज और खुजली जैसे रोग दूर करने के लिए स्किन पर करेले का रस लगाना चाहिए। करेले का रस का जो है वो भी उपयोग कर सकते हैं। रुई के फाये से गाजर का रस थोड़ा थोड़ा करके चेहरे और गर्दन पर लगा करके उसके सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेने से स्किन साफ और चमकीली बन जाती है। गाजर का रस संक्रमण दूर करने वाला और कीटाणु नाशक होता है। गाजर खून को उस भी साफ करता है, इसलिए रोज गाजर खाने वाले व्यक्ति को फोड़े फुंसी मुहासे और अन्य चर्म रोग नहीं होते हैं। तो गाजर का उपयोग आप कर सकते हैं। सेंधा नमक, दूध, हरड़ और चकबड़ और वन तुलसी, इन सबको समान मात्रा में लेकर के कांजी के साथ मिला करके पीस लें। तैयार किए हुए इस चूर्ण को दांत खाज और खुजली वाली जगहों पर लगा लेने से फौरन तुरंत आराम मिल जाता है। हरड़ और चकबड़ को कांजी के साथ कूट करके तैयार किए हुए लेप को दांत पर लगाने से दांत फौरन मिट जाता है। इसी तरह से पीपल की छाल का चूर्ण लगाने पर मवाद निकलने वाला फोड़ा ठीक हो जाता है। जिसमें से पीप निकल रहा हो, मवाद निकल रहा हो, ऐसा फोड़ा हो तो वो ये पीपल की छाल का चूर्ण लगाने से ठीक हो जाता है। 4 से 5 पीपल की कोपलों को नित्य सुबह में खाने से एक्जिमा रोग दूर हो जाता है। यह प्रयोग 7 दिन तक लगातार करना चाहिए। नीम की छाल, सहजन की छाल, पुरानी खल, पीपल, हरड़ और सरसों का समान मात्रा में मिला करके उन्हें पीस करके चूर्ण बना लें और फिर इस चूर्ण को गौमूत्र में मिश्रित करके स्किन पर लगाने से समस्त प्रकार के जटिल, जो मुश्किल से मुश्किल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, त्वचा रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह से अरंडी, सौंठ, रासना, बालछड़, देवदारू और बिझौरे की छड़, इन सभी को 20-20 ग्राम लेकर के एक साथ पीस लें। उसके बाद इन्हें पानी में मिला करके लेप तैयार कर लें और फिर उस लेप को स्किन पर लगा दें। इस प्रयोग से समस्त प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। खीरा, खीरा ककड़ी है ना, खीरा खाने से चमड़ी के रोग में राहत मिलती है। ककड़ी के रस को चमड़ी पर लगाने से चमड़ी का मेल, स्किन का जो मेल है, त्वचा पर जो मेल होता है वो दूर हो जाता है और चेहरे का ग्लो निकल जाता है। ककड़ी का रस पीने से भी शरीर को लाभ होता है।
इसी तरह से पुदीने और हल्दी का रस समान मात्रा में मिश्रित करके दांत खाज खुजली वाली जगहों पर लगाया जाए तो फौरन राहत मिलती है। पुदीना और हल्दी का रस समान मात्रा में, ठीक है। पीसा हुआ पुदीना लेप बनाकर चेहरे पर लगाया जाए और फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया जाए। ठंडा पानी कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि फ्रिज का पानी, मटकी का ठंडा पानी। तो चेहरे की गर्मी दूर हो जाती है तथा स्किन चमकदार बन जाती है। अजवाइन को पानी में उबाल करके, अजवाइन को पानी में उबाल करके स्किन को धोने से, जख्म को धोने से उसमें आराम मिल जाता है। गर्म पानी में पीसे हुए अजवाइन मिला करके उसका लेप दांत खाज खुजली और फुंसी पर लगाने से फौरन आराम मिल जाता है। काला नमक मिले हुए गर्म पानी से स्किन को धोने या सेक करने से हाथ पैर और एड़ियों में दरारें दूर हो जाती हैं और दर्द में फौरन आराम मिल जाता है। कई लोगों की एड़ियां फट जाती हैं तो उसमें आराम मिल जाता है। गर्म पानी में काला नमक मिला करके और स्किन को धोइए, पाँव को धोइए, एड़ियों को धोइए, या गर्म पानी कर लिया उसमें काला नमक डाल दिया और पाँव को उसमें सेक करिए थोड़ा डुबो डुबो करके, तो उसे आराम मिलेगा। और अगर रोग हो गए हो तो इस प्रयोग के करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। एक खास उपाय, सबसे खास उपाय एक और बता रहा हूँ कि जो कुटकी और चिरायता हम पीने के लिए बोलते हैं कि कुटकी और चिरायता पीने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, कुटकी और चिरायता कंट्रोल हो जाती है और आपका जो कुटकी और चिरायता है उसको पीने से, उसका काढ़ा पीने से आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि आपको बुखार भी नहीं आता, वैक्सीनेशन हो जाता है, खून साफ करता है कुटकी और चिरायता। यदि आपको किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कब्जी की, तो कब्जी दूर हो जाती है कुटकी और चिरायता का काढ़ा पीने से। तो इसी तरह से कुटकी और चिरायते को मिक्सर में पीस करके यदि उसका लेप बना लें और खराब स्किन पर लगाएंगे तो इससे स्किन में निखार आएगा और कील मुहासे भी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम कील मुहासों के बारे में भी और बात करेंगे और तरह तरह के पेस्ट सौंदर्य निखार के लिए, तरह तरह के पेस्ट के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जो नवरात्रि में गरबा, फिर दीपावली, दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन, जो भी कह दीजिए, वो जो सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और उसके बाद में जो शादियों का सीजन आ रहा है, तो उनमें आप बिल्कुल अपना सौंदर्य निखार सकें, इसके लिए हम कई तरह के पेस्ट आपको बताने वाले हैं। जो भी आप उसमें से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन के अनुसार आप सोच समझ करके उसका उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें। तो ये एक नेचुरल ब्यूटी पार्लर है, तो आप प्राकृतिक रूप से कैसे सौंदर्य निखार कर सकते हैं देखिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मैंने जब 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तभी मैंने एक वीडियो में यह कहा कि मैंने 1,00,000 लोगों का परिवार बसाया है। परिवार में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होती है, तो मैं चाहता हूं कि ये 1,00,000 लोगों का परिवार सुखी हो, इसका सौंदर्य निखरे, निरोग हो और दूसरे लोगों को भी निरोग बनाने की प्रेरणा करे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। धन्यवाद।